वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकात। कैसे चाचा? जी करीम भाई, कैसे चाचा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह का एहसान है बेटा। चाचा आप कंप्यूटर सुनाइए को शाने इलाका जो लेटेस्ट न्यूज है, तो वहां पे तो मतलब जी। जो प्लेनर है उसको पैसा मिल गया, इन हैंड मिल गया, मतलब हाथ में मिल गया चेक। जी जी मतलब बाकी के मतलब जितने जी का प्लेनर है सबको मिल जाएगा। अभी मैंने सुना औरंगाबाद में भी पैसा मिल गया और बुल्ढाना वाले को भी पैसा मिलने जा रहा है, नईम भाई को। हाँ, चेक सबका आ गया है क्या? हाँ। तो तकरीबन सभी को, ये शमीम भाई का भी आ गया है चेक। अच्छा यहाँ भी कल बात हुई, शमीम भाई से भी बात हुई मेरी, तो अच्छा 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 सबके चेक तकरीबन आ गए हैं। और तो सबसे एक अच्छी मिनट, बात यह है कि जो अपना, पहले तो ये चीज ये समझाइए कि मतलब जो कंप्लेनर पार्टी बने हैं उन्हीं को पैसा आ रहा है, जो मतलब जो उसके बाद में अटैच हुए उनको, उनका क्या होगा? नहीं नहीं बेटा, एक्चुअली क्या है कि जो एफआईआर थे पहले, ये तो पुलिस भी पहले से बता रही थी कि जिनके एफआईआर है क्या, जिनको उन्होंने पार्टी बनाया, हाँ। उनको पैसे पहले मिलेंगे क्योंकि अच्छा इनको अपने एफआईआर खत्म करने। अच्छा सेकेंडली ये है कि जो अटैचमेंट है, हाँ जो अटैचमेंट है, तो ये तो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जिन्होंने कंप्लेंट नहीं किया वो हमारे साथ है। लेकिन कोर्ट ने इनको ये बोला कि 19 तारीख तक जितने भी कंप्लेंटेंट है हाँ जो अटैच हुए हैं वो सबको भी पैसा देना पड़ेगा आपको, अच्छा मतलब ठीक है। अभी हीरागढ़ का प्लान क्या है? तो प्लान तो देखो बेटा, अगर इन्होंने नीयत साफ रखी तो इनके लिए मंजिल आसान है। अच्छा अगर फिर से कोई गेम करने की कोशिश करेंगे तो फिर इस बार तो क्या है, लोग अलर्ट हो गए हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं चाचा कि कम्प्लेनर को अभी। पैसा दे देंगे और मतलब कहीं ना कहीं रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे, एक्सटेंड करने हाँ, की? ये तो डेफिनेटली कर भाई, ये तो करेंगे वो, क्योंकि एक एक करोड़ 2 लाख रुपए का तो खाली हिसाब बन रहा है, एफआईआर जिनके जिनके एफआईआर है, हाँ। 1 करोड़ 2 लाख रुपए, ये तो अच्छा मामूली बात है उनके लिए। मामूली बात हाँ है उनके लिए। तो चाचा मतलब अभी तो मतलब कंप्लेनर की बात हो रही है, कंप्लेनर को मतलब देने में मतलब पैसा देने में इनिशिएटिव लिया है, लेकिन उसके बाद में अभी अटैच्ड जो अटैच हुए हैं उनकी बारी है, फिर उसके बाद में नॉन कंप्लेनर की बात आएगी। तो मतलब नॉन नहीं, कंप्लेनर को ऐसा एक्चुअली क्या सोच रहा है कि है, भाई उसको पैसा आएगा क्या नहीं, वो ही डाउट है। नहीं बेटा एक्चुअली मैं परसों जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने यही उनसे रिक्वेस्ट किया था, और बहुत आजीजी के साथ मैंने बोला था कि भाई पिक्चर क्लियर कर दो, बिल्कुल एक्चुअली लोगों को ये समझा दो कि भाई कंप्लेंटर और नॉन कंप्लेंटर ये सब मेरे इन्वेस्टर है। अगर किसी ने परेशानी के आलम में या किसी ने मिसगाइड होके कंप्लेंट कर दिया है तो मैं उसको अपने से अलग नहीं करूंगी, कंप्लेंटर का भी पैसा मैं दूंगी, नॉन कंप्लेंटर का भी पैसा दूंगी, सबका दूंगी। और ये तरीका है पैसा देने का, अच्छा ये तरीके से पैसा दूंगी। तो ये तो कंपाउंड केस है ना, बराबर ये तमन्ना तमन्ना खुद मुझे बता दी थी पहले कि है। भाई आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, तो जिन्होंने कंप्लेंट किया उनको आप बुलाओ और बोलो कि भाई ये तुम्हारा पैसा है, ये मैं दे रही हूँ, क्या अच्छा सेटलमेंट कर लो, खत्म बात। तो चाचा अभी मतलब तमन्ना ही दे रही है सब जगह पे जाके। हाँ, लेकिन वो जिस तरह से हो रहा है ना, वो थोड़ा सा क्या हो रहा है कि ये हीरा गोल्ड की एक मिस्ट्री है यार, वो कभी खत्म नहीं होती। इसका जो सस्पेंस है ना, हाँ उसको लोग खत्म नहीं करना चाहते। तो कैसा मतलब क्या? हमेशा हमेशा जो है इन्वेस्टर है ना, उलझा हुआ रहता है। अच्छा शुरू से आप देखो, ये जो अपन ने पहला वीडियो बनाया हाँ थाना कोर्ट में, उसके 15 दिन के बाद से जो प्रो और एंटी, ये जो इन्होंने शुरू किया तो वो तो खत्म ही हुआ नहीं। फिर उसके बाद ये नया आ गया कि कंप्लेंटर नॉन कंप्लेंटर, हाँ बराबर हाँ ठीक है। तो ये इस तरह की जो एक नए नए लोग शगुफे छोड़ते रहते हैं ना, इससे हाँ क्या होता है कि लोग पैनिक होते हैं, फिर लोग परेशान होते हैं, फिर इसका उसका वीडियो देखते हैं, फिर इससे उससे बात करते हैं, क्या? और फिर लोग इसकी उसकी तरफ दौड़ते हैं कि भाई क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्योंकि हर एक को पैसा चाहिए, हर बराबर। आदमी अपने पैसे फिक्र में लगा हुआ है। तो लेकिन चाचा अब अभी अभी क्या होगा क्या, मतलब अभी आपको कैसा लग रहा है कि मतलब अभी ये जो कंप्लेनर को पैसा दिया जा रहा है, ये इसका क्या रीजन है? सिर्फ कंप्लेनर को, पार्टी को पैसा दिया जा रहा है? लेकिन ये सुप्रीम नहीं कोर्ट ने होगा ऐसा ना तो नहीं कि बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तो नहीं बोला था कि आप जो पार्टी है उसी को पैसा दो, बाकी मतलब अटैचड की भी बात की थी, जो अटैच हुए उनको भी कंप्लीट पैसा देना पड़ेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यह है वो, और उनको वो एक करना ही पड़ेगा। अगर ये सोच रहे हैं कि भाई मैं जिसकी एफआईआर है उसको पैसा देके निपट जाऊंगी, तो ये नहीं होने वाला, अच्छा ये नहीं होगा। जितने लोग अटेस्टेड है ना, उनको उनको पैसा देना ही पड़ेगा, जो 6 हफ्तों का टाइम है, समझे। अच्छा अच्छा अच्छा
अच्छा, तो वो देना पड़ेगा। तो कल भी मेरी बात हुई थी ईओडब्ल्यू में, अभी तो मेरे ख्याल से उसे सर बात। चाचा 25 दिन पूरे हो गए शायद। हाँ, वक्त तो गुजर रहा है, और ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का काम कर रहे हैं ना, वो लोगों को पैनिक कर रहा है, अच्छा, वो काम पैनिक कर रहा है। अब यहाँ पे ये बोलना, जैसे आज मैंने यूनुस साहब का वीडियो सुना सुबह में, तो हाँ उन्होंने बोला कि भाई वो छोटे छोटे अमाउंट दे रही है लोगों को। तो अच्छा छोटे छोटे अमाउंट का क्या है कि पुलिस ने शुरू में, अब हाँ जैसे मैं काशीमीरा की बात बताऊं, मैं हाँ 90 लाख का इन्वेस्टर था, लेकिन हाँ मेरे आगे हाँ शमीम भाई जो 17 लाख के इन्वेस्टर थे, उन्होंने उनके नाम पे एफआईआर बनाया। हाँ तो उस जमाने में अगर वो मेरे मेरे को बनाते कि भाई चलो ये एक सीनियर सिटीजन भी है हाँ और हाँ इसका अमाउंट बड़ा है, हाँ तो हाँ 90 लाख का बनता, तो आज 90 लाख को पहले मेरे को 90 लाख देना पड़ता एक्चुअली एक्चुअली है ना। हाँ तो बराबर। उन्होंने उनको 17 का बनाया, तो वो 17 वाले का भी चेक आ गया, तो वो टोटल अमाउंट मिला के जो पुलिस ने जो काम किया, सब छोटे छोटे अमाउंट पे एफआईआर बनाया, कोई भी बड़े अमाउंट पे एफआईआर बना नहीं पहले। तो अच्छा, उसमें नवेरा की जो चालाकी है वो सिर्फ ये है कि भाई छोटे अमाउंट है, इनको फटाफट निपटा दो, सुप्रीम कोर्ट को बता दो कि देखो भाई मैंने अपना काम शुरू कर दिया, अच्छा मैंने अपना काम अच्छा मतलब शुरू कर नहीं, दिया। जीनू कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब जो जो छोटे मोटे अमाउंट है वो मिल जाएंगे, और आपने मतलब एक आपा का जो लास्ट मैंने वीडियो देखा था उसमें मतलब ऐसा कुछ रिएक्शन था कि मतलब चप्पल गिर जाएंगे, कोर्ट में मिलेगा, ऐसा कुछ बयानबाजी चल रही थी। देखो भाई, वो तो वो सोचते हैं ना, कानून क्या सोचता है, इस मुल्क में अभी जंगल राज तो नहीं मतलब आया। लॉजिकली लॉजिकली क्या समझा जाए, मतलब आपा क्या समझाने की कोशिश कर रही है? आपा जो चाहती थी ना भाई, वो हो गया, उन्होंने और उनके जो लोग थे उनकी हाँ तरफ से बोलने वाले कि भाई कंप्लेंटर को रोको। हाँ 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 उस जमाने में ये खौफ पैदा किया कि जो गया कोर्ट में, हाँ जिसने कंप्लेंट किया उसको उसको पैसा 15 साल लग जाएंगे, मैं उसके ऊपर केस कर दूंगी, ये कंपनी की उसने इमेज को खराब किया, ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, ठीक है। तो हाँ वो एक खौफ था, और दूसरा कि कोई भी इनके खानदान की तरफ से आया नहीं इस हाँ बात की वजाहत करने के लिए कि भाई तुम्हारा पैसा मिलेगा। तो बराबर आदमी यही फिक्र में कि भाई क्या करूं क्या नहीं करूं, यूनुस ये बोल रहा है, शाहबाज वो बोल रहा है, चाचा ये बोल रहा है, करीम ये बोल रहा है, हाँ गली न्यूज ये बोल रहा है, वो कंफ्यूज हो गया बेचारा। बराबर। मगर तो चाचा जिसके एक चीज ये फाइनल हुआ है, मतलब फाइनली ये पता चल रहा है कि जिस तरह शहबाज जीत चुका है, हाँ दूसरी बात शाने इलाही जीत गया है, वो जो मुहिम में थे उन लोग ने वो टास्क पूरा कर लिया। मतलब देखो बेटा, एक बात इसको समझ लो आप, बोलिए। कि अगर शाहबाज नहीं भी होता और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता कि हाँ भाई जो जिसका एफआईआर है हाँ उसका और जो अटेस्टेड है फलां डेट तक उसका, हाँ तो वो पैसा दे दो। शाहबाज का क्या रोल है आप बताइए इसमें पूरे में। शाहबाज ने क्या कहा, खाली पुश किया बस, जो पुश किया उनका फायदा क्या हुआ? अब वो पता नहीं चाचा, कहीं ना कहीं कोई कोई ब्लैकमेल बोलता है, कोई फिरौती वसूलने वाला देखिए, कोई। मैं कोई भी इल्जाम नहीं लगाता उनके ऊपर, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उनके बोलने से क्या हुआ भाई बताइए। कानूनी कार्रवाई तो हुई ना, तीन साल का वक्फा गुजर गया ना, 3 साल का वक्फा गुजर गया। इन्होंने इनकी सोर्सेस से कुछ मगर चाचा एक एक्स्ट्रा चीज ये एक्स्ट्रा बताइए, ऑर्डिनरी करके नहीं नहीं बताया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, मगर चाचा ये बताइए, अगर अगर कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता तो क्या कम्प्लेन हाँ करते ये जो सो कॉल्ड एजेंट है, जो दलाल है, ये तो कम्प्लेन करने छोड़ देते ये लोग, फिर सब पूरे पूरे 100% को दबा देते कि कम्प्लेन मत करो, आप आएगी देगी, आप आएगी देगी, यही लॉजिक लगा देते। अब कोई खड़ा था तो उसने जिद पे कर दिया तो पब्लिक को जो इंसाफ मिलना था वो तो मिल ही गया, शायद से मैं भी होता तो वही करता। देखो करीम, मैं जो बोलूंगा शायद तुमको सुन के थोड़ा सा अचंभा होगा भाई। जिन्होंने 2008 से 9 से पैसा डाला और जो लोग मैक्सिमम पैसा कमा चुके वो लोग सब उनके साथ थे, वो लोग उनके साथ थे, जो नए लोग थे वही घबरा रहे थे। अगर उनकी तरफ से बयान आ जाता कि भाई जो नए लोग हैं जिन्होंने ये सन में डाला है क्या, वो लोग आके अपना विड्रॉल लेना है तो विड्रॉल ले लो, हाँ, या फिर उनको जो भी कंप्लेंट्स है आके हमारे डीएसए से बात करो, हमारे एमएस से बात करो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सिवाय धमकाने के, अच्छा, तो लेकिन चाचा एक लॉजिक ये है भी है, ईओडब्ल्यू ने मतलब 2008 के तो केस लिए ही नहीं, जो लेटेस्ट के केस थे वही उसी में एफआईआर हुआ ना, जो ईओडब्ल्यू में ना। एफआईआर हुआ वो लास्ट के जो, डिजास्टर भी
17 और 18 के केस। डिजास्टर भी अभी आया ना बेटा। जी 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 देखो ऐसे तो भाई आप ऑफिसर की अगर अल्फाज सुनेंगे तो मैं नाम नहीं लेता उनका, और उन्होंने खुद कहा कि भाई कैसे हो सकती है बेल उसकी, ओके उस पर इतने सारे केस है, ओके इतने सारे केस हैं कैसे है? तो ये जो हुआ एक मैरेकल है, अच्छा अगर हम इसको बोलें कि भाई एक मैरेकल है, अल्लाह का करिश्मा है, ठीक है, क्योंकि हम ईमान वाले हैं तो हम करिश्मा बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये सेटिंग है, बराबर हम बोलेंगे भाई करिश्मा है, लोगों की दुआएं हैं और नवेरा की माँ की भी दुआएं हैं, उसके भी आंसू हैं कि वो बाहर आ गई, ठीक बराबर है भाई। अब वो बाहर आई है तो सबसे पहले उसका काम है भाई कि जो मजलूम इन्वेस्टर्स हैं उनके आंसू पोछे। एक्चुअली अगर इस बार भी वो बाहर आके ये सोचेंगी कि नहीं मैं अपने फैमिली के आंसू पोछूंगी, तो फिर इन्वेस्टर जो है वो पागल हो जाएगा। वो कंप्लेंट रहे नॉन कंप्लेंट रहे, कोई भी सगा नहीं भाई, सबको पैसा चाहिए। एक्चुअली पैसा तो सबको मिल, आप एक बार बेईमानी दोबारा अगर करने की कोशिश करोगे और लोगों के ऊपर ये बात जाहिर हो जाएगी कि भाई ये सिर्फ बोल बच्चन है और बात करते ही इनका मदरसा चालू हो जाता है क्या? अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ दुनियादारी की, अब मैं इसमें अगर कुरान की दो सूरतें आपको सुना दूं तो आप बोलेंगे यार मेरे को ये तो समझा नहीं, तुमने एक्चुअली बोला हाँ मैं एहतराम करता हूँ ये कलाम पाक है, लेकिन मतलब मेरे को नहीं मालूम। बराबर है, तो एक आम आदमी जो आम जबान में बात कर रहा है तो उसको आम जबान में आप बात दीजिए, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह अल्लाहु अकबर ये सारी जो चीजें हैं, अब मदरसों और मस्जिदों के लिए छोड़ दो भाई, अब यहाँ है पैसे का मैटर। पैसे का मैटर है एक्चुअली। तो पैसे का बात जब आप करती हो लोगों से तो फिर उसको उस लैंग्वेज में ही बात कीजिए, बराबर है, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर हैं ये सब अपने घर में अपने मुसल्ले पे अपने सोते जागते वक्त में अल्लाह ही का नाम ले रहे हैं कि अल्लाह तू मदद कर, हम तो कहीं के नहीं रहे। मगर चाचा जो नॉन कम्प्लेनर है उसका क्या होगा? मतलब अभी अभी आपा एजीएम, वो एजीएम का क्या स्टेटस है चाचा? एजीएम लेने वाले हैं, नहीं लेने वाले हैं? और कहीं ना कहीं आपके देखो मीना रोड पे भाई कोई मीटिंग होने मेरा वाली है, यूनुस सैयद भी मीटिंग ले रहा है कुछ, और नहीं, जो वो तो हाँ बोलिए बोलिए। यूनुस सैयद जो है ना, अब तो मतलब मैं उनका ग्रेड बहुत ऊंचा है, अच्छा अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई वो जो आदमी है उसकी मालूमात इतनी ज्यादा हो गई है अभी और अच्छा वो इतना डीपली इसमें इन्वॉल्व हो गया है क्या, कि वो तो किसी भी तरह से हीरा गोल्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। वो अच्छा ये चाहते हैं कि भाई जो भी हो कोर्ट से हो, अच्छा और कोर्ट से ही वो इनको घुटनों पे लाके पैसा लेना चाहते हैं, अच्छा ये अच्छा चाहते हैं। हम लोग जो अलग किस्म के लोग हैं थोड़ा सा, हम तवक्कल करने वाले लोग हैं, सबसे पहले अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, फिर अपने मुकद्दर पे करते हैं, फिर भाई इससे ये कहते हैं कि भाई अगर तू लोगों का चुका देती है दुनिया में और तेरे पास है, ये तो है ही, हुआ है ही नहीं, कोई मानेगा ही नहीं कि तेरे पास पैसा नहीं, हमारे बराबर पास अल्लाह ने इतना माल दिया है क्या, तो वो माल तुम लोगों में तकसीम कर दो भाई। बराबर और जैसे तुम कह रही हो कि भाई लोग आज भी मेरे को पसंद करते हैं, मेरे साथ कारोबार करना चाहते हैं और मेरे साथ वो खड़े रहेंगे, तो जो खड़े रहना चाहते हैं खुशी से उनको कोई नहीं रोकता, कोर्ट भी कह रहा है कि भाई मैं नहीं रोकता। अच्छा और ये बात एक साल पहले से वीडियोस बना के मैं कह रहा था कि भाई नॉन कंप्लेंटर्स को कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगी जजमेंट के वक्त, अच्छा तो आज भी कोर्ट ने वही कहा, तो लेकिन चाचा अभी भी अभी अभी कोर्ट को अभी सिंपैथी है। हाँ चेक चेक मिलने के बाद में, जब ये लोग कंप्लेनर को चेक मिलने के बाद में, मतलब मार्केट का रिएक्शन थोड़ा चेंज हो गया अब देखो यार ये जो चेक मिला है ना ये कैश नहीं हुआ है अभी, है। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं ये भी बाउंस होने के चांसेस है? अरे भाई अच्छा आप ये अभी बोल रहे हैं कि ये भी बाउंस हो जाएगा? अच्छा नहीं मेरे को एक बात बोलो, अभी तक कितने कोर्ट्स में पैसा भरना था, कितने कोर्ट से अभी तक ऑर्डर आया भाई इतना भर दो इतना भर दो इतना भर दो, हाँ बहुत सारे कोर्ट से आया पैसा, ऑर्डर आया। कहाँ कहाँ भरे हाँ पैसा? कहीं भी नहीं भरे। हाँ हाँ तो फिर ये जो है ना भाई ऐसा नहीं हुआ कि ये बच्चों के गले में तावीज बांध दिए कि भाई खांसी सर्दी दूर हो जाएगी क्या, तो वो हाल नहीं हो जाए। ये जो इन्होंने चेक दिया है ये कैश हुए, जब जब ये चेक ऑनर हो जाएगा, मतलब डिसऑनर नहीं हुए ऑनर हो जाए, कैश हो जाए और अगले के हाथ में पैसा हो जाए, उस दिन भाई वो कामयाब हो गया। अच्छा तो चाचा अभी
जो कंप्लेनर है, कंप्लेनर को मतलब 1 करोड़ 2 हजार रुपया बता रहे ना आप अमाउंट, तो वो पैसा तो मिलना ही जी मिलना है, नो डाउट उसमें। हाँ बिल्कुल, अच्छा, उसमें उनको भी उसमें मिलना है जी। ऐसा भी है, उसमें ऐसा भी है जिसको बेनिफिट मिल चुका है। अभी जो मैंने बात किया कल, मालेगांव भी बात हुई थी मेरी और बुल्ढाणा भी बात हुई थी, तो हाँ, उन लोगों ने बोला भाई हमारा फुल अमाउंट आया है, फुल अमाउंट आया, मतलब हमारा बेनिफिट, जो बेनिफिट कटा विटा कुछ नहीं, जो आया कुछ बेनिफिट। भी नहीं। हाँ अच्छा, हाँ, जितना कैपिटल अमाउंट उन्होंने उन्होंने डाला था वो पूरा मिला वो पूरा मिला है। अभी बेनिफिट कटने की जो बात है ना भाई, मेरे को एक बात बताइए कि है। हाँ जब आपने बेनिफिट दिया उस वक्त आपकी कंपनी बिल्कुल बूम थी, एकदम हाइक पे थी एक्चुअली और आप कमा रहे थे, ठीक एक्चुअली है। जब आपको डिजास्टर आया तब आपने नफा देना बंद कर दिया इमीडिएट, ठीक बराबर, है। तो वो पीरियड का तो इन्वेस्टर आपसे पैसा भी नहीं मांग रहा, 3 साल का पैसा कौन मांग रहा है आपसे। बराबर हर आदमी अपना कैपिटल पूरा मांग रहा है कि भाई बराबर मेरा कैपिटल मेरे को पूरा दो। एक्चुअली, अगर वैसा अगर वो लॉजिक लगाया जाए कि मतलब अगर 6 साल पहले मैंने डाला हो, 6 3 साल का पैसा आया, बाकी के 3 साल का तो पैसा नहीं आया ना आपका जब से जेल में है। वो नवेरा शेख साहिबा ने अभी तक कहा नहीं ऐसा, मैंने नहीं सुना कि अच्छा भाई मैं पैसा काट के देती हूँ, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। अच्छा 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 मेरी अच्छा नॉलेज में नहीं है ये बात, अच्छा अच्छा ये पुलिस वाले पहले बोल रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद उन्होंने भी ये बोलना छोड़ दिया कि अच्छा तुमको कितना मिला, अब नहीं पूछते वो लोग। अच्छा 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 अभी आपका अमाउंट पूछते हैं भाई, कितना पैसा है तुम्हारा, कभी डाला था, कितना अच्छा मिला, वो खत्म हो गई बेनिफिट की बात। बात नहीं करते हैं। हाँ, तो अभी चाचा क्या मतलब एक्सटेंशन का क्या है, अभी कैसा लग रहा है आपको, एक्सटेंशन कैसा होगा ये पास पार्टी को देने के बाद में। मैं दिल से दुआ करता हूँ और अल्लाह से बहुत ज्यादा इल्तिजा करता हूँ कि अल्लाह इस मामले में सुकून को दाखिल फरमा, खैर को दाखिल फरमा। नवेरा शेख को अगर माली कमी है तो तू तेरे खजाने से उसको अता फरमा और उसके दिल को इतना नरम फरमा कि वो सब जो उसके कर्जदार हैं उनका पैसा उनको अदा कर दे। और ये बात बिल्कुल मतलब हजम नहीं होती है कि भाई जिसको पैसा मिला पहले, अरे हाँ जिसको मिला तो वो उस दौर में पैसा डाला था जब नवेरा शेख का कारोबार चल रहा था, ये अगर उस तो वक्त पैसा जो दिया। ये जो आपाने बोली क्या नहीं पता नहीं, लेकिन ये जो सो कॉल्ड एजेंट है, दलाल है, ये लोग ने तो क्लियरली बोला है कि मतलब चप्पल घिस जाएंगे कोर्ट में पैसा लेते लेते, ये सब डायलॉग अरे बाजी भाई थी। कल भी हैदराबाद से एक साहब का वीडियो था, अच्छा वो भी ऐसा बात कर रहे थे कि जैसे अभी नवेरा शेख के घर से ही निकल के आए हैं, एक्चुअली कि बोले भाई अब तो कंप्लेंटर जो है उसका अल्लाह हाफिज है, जिन्होंने कंप्लेंट किया है वो जाने कोर्ट जाने, कंपनी तो उसको कुछ सपोर्ट करने वाली नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। वो ऐसा बात कर रहा था कि जैसे बिल्कुल पूरे केस में वही जिम्मेदार था। अच्छा, हर आदमी ये चाहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी कदर करें, मेरे को सुने। हाँ, तो हर आदमी, और जो बेचारे कर चुके, मैंने तो खामोश बैठ गए भाई, अब क्या बोले, और जितना बताना था बता दिए, समझाना था समझा दिए। बराबर चाचा, आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आखिरी मैसेज बोल दीजिए। अवाम को मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई कि देखो इस वक्त मेहनत का दौर है, आपको बार बार ईओडब्ल्यू जाना पड़ेगा, जो अटैच वाले हैं लोग जिन्होंने कंप्लेंट के साथ में अटैच किया, जिसको मराठी में साक्षीदार बोलते हैं, हाँ, एफ फरियादी आई आर के साथ जो साक्षी साक्षीदार बने हैं, उन सबको बार बार जाके बोलना पड़ेगा कि भाई हमारी लिस्ट गई कि नहीं गई, क्या। अच्छा अच्छा और ऐसा आपके देखिए 3 तरह से आपका नाम होता है, कभी आपके फोन नंबर के साथ आपका नाम लिस्ट में डालते हैं वो लोग, कभी आपके एड्रेस के साथ डालते हैं और कभी आपके नाम के साथ डालते हैं। तो तीनों तरह से चेक कर लो कि आपका नाम कंप्लेंटर की लिस्ट में है कि नहीं है। हाँ तो अच्छा आपका नाम है तो उनको बोलो साहब कि मैं कब तक वेट करूं। जैसे अभी ये ग्रामीण एरिया है मीरा रोड, हाँ तो यहाँ अभी तक शुरू नहीं हुआ, जैसे बॉम्बे में शुरू हुआ। हाँ हाँ, और उनको चेक मिल गया, अभी यहाँ ऑर्डर नहीं आया, तो तो यहाँ आपके चेक जो आया। साथीदार है उनको तो मतलब वहीं से मिला शमीम भाई, ना। हाँ शमीम भाई, नहीं, चेक आयोग के पास है अभी, शमीम भाई को नहीं मिला, शमीम भाई को नहीं मिला। यहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और जो दूसरे ऑफिसर है उनके सहायक, उनसे बात हुई थी कल, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तक हमको ऑर्डर नहीं आया है, जैसे ही ऑर्डर आएगा
तो बोले हम आप लोग को बुला लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है चाचा, फिर आप मीटिंग वो मीटिंग मीरा रोड की मीटिंग में जाएंगे नहीं जाएंगे चाचा? मैं जरूर जाऊंगा भाई, मेरे इलाके में और इतनी दूर दूर से इन्वेस्टर्स आएंगे जिनसे कभी फोन पे बात हुई कभी मिलना नहीं हुआ, और तमाम लोग आएंगे तो जाएंगे भाई, और इस दुआ के साथ जाएंगे कि अल्लाह खैर का मामला फरमा और इसके बाद कोई उलझन नहीं हुए, नवेरा शेख को भी नहीं हुए और इन्वेस्टर को भी नहीं हुए, कंप्लेंटर को भी, नॉन कंप्लेंटर को भी, और जो अटैचमेंट वाले उनको भी नहीं। अच्छा, नवेरा शेख जिसे जब मैं मिलता था उनसे करीम, तो हमेशा ये कहती थी कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मेरा दिल सबके लिए साफ है। हाँ बराबर है, आपने भी सुना होगा, हाँ मैंने भी, मैं मेरा दिल सबके लिए साफ है। बराबर, तो वो बात जो है अल्लाह करे उस पर वो कायम रहे, लोगों के बहकावे में नहीं आवे। पता कैसा है कि आपा इनोसेंट है, आपा को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो क्या बोलते हैं ना, जो बीच में है ना, ये लोग ज्ञान देते हैं कि भाई आपा ये मत करो ये करो, तो वहां पे वो बदनाम हो जाती है, और ये लोग मतलब ना कोई ऑथराइज्ड है ना कुछ है, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग ने संभाल लिया, हम लोग ने संभाल लिया, लेकिन मार्केट में क्या क्या हो रहा है वो आपा को नहीं पता चलता। अभी यार देखो दुनिया भर की बातें हैं जिसका लोगों के पैसे से कोई ताल्लुक नहीं। बराबर बराबर बराबर, अभी यहाँ तो दो टीमें काम कर रही है, एक टीम जो थी वो इस्माइल शेख साहब की तरफ से काम कर रही थी, नाम नहीं लेता हूँ फोन कर रहा था, दूसरी टीम है जिसमें तमन्ना, इरफान, सलमान, जमील मर्चेंट की तरफ से काम कर रहे थे क्या, इवन जो दो बॉडीगार्ड थे जब आपा जेल में थे क्या, वो भी जमील मर्चेंट की तरफ से थे, अभी भी वही लोग हैं। तो इनका अलग वर्चस्व है और उनका अलग वर्चस्व है, दोनों एक दूसरे से बाजी ले जाने के चक्कर में। बराबर है, आपा का हमदर्द कौन है आपा को भी नहीं मालूम, आपा को भी नहीं मालूम एक्चुअली कौन है ऑथराइज्ड पर्सन, वो अभी तक किसी कोई अपॉइंट ही नहीं हुआ, हर कोई कैमरा लेके खड़ा। उस औरत पे जैसे एक तरह से नजर रखी जा रही है कि भाई वो किसी ऐसे आदमी से नहीं मिले जिसको ये लोग नहीं चाहते एक्चुअली, इसीलिए जितने भी खास खास दलाल है वो हमेशा शैडो की तरह साथ रहते हैं। वही हो रहा है, वही हो रहा है, जैसे ही वो पब्लिकली बाहर आती हैं तो ये जो शैडोज है वो घेर लेते हैं। बराबर, मतलब आपा का आपा का अपना खास आदमी बनने की कोशिश करता हूँ। आपा का खास नहीं, जिनके खास है उनके और खास बन के दिखाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा ये आपा ये खास नहीं है भाई, अच्छा अल्लाह इस राज को भी खोलेंगे और मुझे जरूरत भी नहीं है इसकी, क्योंकि आज का जो दौर है हर आदमी को ना करीम अपने पैसे की पड़ी। हाँ हाँ भाई मेरा पैसा मिल जाए भाई, क्योंकि बेरोजगार है, एक साल हो गया है लोगों के पास काम भी नहीं, और उसके पहले दो साल से नफा नहीं आ रहा है एक्चुअली। हाँ, तो आदमी टोटली जो है ना बर्बाद हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है उसके पास। और ऐसे अच्छा, वक्त ऐसे में ऐसे अगर कोई लोग होंगे आपको कॉल आता होगा जो मजबूर परेशान है, या हॉस्पिटल के बिल भर नहीं पा रहा है, या फिर कोई ज्यादा लाचार होगा जो हीरागुड का इन्वेस्टर है, उनका नंबर जरा हमको दे दीजिए, हम जरा उनसे बात करेंगे। एक्चुअली उनको उनको फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी, जो जो क्या बोलते हैं ना, कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, शायद से वो सहूलियत से 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद से एक एक टाइम के खाने के बांधे हैं। देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई, एक तो मुमरा का एक आदमी है अच्छा जो इन्वेस्टर है, ओके, शायद एक दफा मैंने आपसे बात भी की थी कि भाई उसका इंटरव्यू ले लो जाके मुमरा में, तो लेडी ने मना कर दिया, बोला नहीं हमारे खानदान में, बोले हमारी इज्जत क्या बचेगी अगर हमने सब बता दिया। एक्चुअली उसके आदमी का हाथ कट गया शुगर की वजह से, अरे पैसे नहीं इलाज के पास, आज से 1.5 साल पहले की बात है, आपको याद होगा। बराबर, याद है याद है याद है, हाँ आपको ही मैंने बोला था कि करीब मैं बात करता हूँ, अगर वो इजाजत देती है तो जाके आप इंटरव्यू ले लो उनसे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई, पब्लिक हाँ मतलब क्या बोलना भी नहीं चाहती है भाई साहब ऐसा, मैं मतलब इनडायरेक्टली, मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि बेवकूफ बनाया गया, मतलब जो इन्वेस्टर है उनको, कि तुम्हारा पैसा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, मुझे तो ऐसी लग रहा है चाचा, मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी में आ रहा हूँ, मतलब मैं एंडिंग में, मतलब लास्ट पॉइंट में आ रहा हूँ, मुझे तो ऐसी लग रहा है कि भाई जो नॉन कम्प्लेनर है वो शायद से लास्ट तक उनको पैसा मिलने का कोई आसार नहीं लग रहा है मुझे अभी तक। नहीं मैं देखो मैं कोई गैब की बात नहीं बता सकता, मैं अल्लाह माफ करे, लेकिन मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह हम सब के साथ इंसाफ करे और एक्चुअली सबको सबका पैसा मिल जाए, सबको एक एक आदमी सुप्रीम कोर्ट का जो जिसका जो पैसा वर्डिक है ना चाचा, वो ऐसा आना चाहिए कि नहीं। जो आपके इन्वेस्टर नॉन इन्वेस्टर दोनों को पैसा मिलना चाहिए, लेकिन वर्डिक मतलब वन साइडेड आया, और सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी लिया कहीं ना कहीं कंप्लेनरों की, और शायद से मतलब कानून व्यवस्था वही करेगा जो कानून की मदद के लिए नजदीक आता है। देखो करीम ये पहला केस नहीं है, इससे पहले का एक केस था जिसके कई वीडियोस मैंने बना के बोला, जिसमें सिर्फ 19 इन्वेस्टर्स थे ओके क्या, और
13 ने केस कर दिए थे, 6 ने केस नहीं किए थे। अच्छा तो जब 3 साल के बाद कोर्ट ने उसको बोला कि भाई अगर तेरे को जमानत चाहिए तो लोगों का पैसा दे। उसने बोला कितना? हाँ उन्होंने पूछा UOW वालों से, तो उन्होंने बोला कि भाई 6 लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया। कोर्ट ने बोला कि भाई 13 लोगों का कितना पैसा है? तो इतना। उसको बोला तो 2 हफ्ते में पैसा भर और तू जा निकल के। और अच्छा UOW को बोला कि जिन्होंने अब तक कंप्लेंट नहीं किया 3 साल में, कोर्ट उनको इंटरटेन नहीं करेगी। वो अच्छा जजमेंट मुझे बिठा के समझाया था UOW वालों ने कि अच्छा अच्छा चाचा कंप्लेंट करना क्यों जरूरी। तो वो वीडियोस मैंने बना बना के बोला लोगों कि भाई तुम सिर्फ रजिस्टर हो जाओ, एक्चुअली तुम्हारे कंप्लेंट करने से नवेरा शेख की सजा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बराबर तुम ऑफिशियल तो बराबर हो जाओगे, ऑफिशियली ऑन तुम भाई रिकॉर्ड तो आ तेरे हम जाओगे, ऑन भी रिकॉर्ड तो आ जाओगे। ऑन रिकॉर्ड आ जाओगे। अब कोर्ट तो ये बोलता है कि 3 साल क्या कर रहे थे। हाँ बराबर, जाहिर से सवाल यही पूछेगा, 3 साल से आपको याद तीन नहीं साल में आया तुमको आपके याद नहीं आया कंप्लेंट करने को? उन्होंने कंप्लेन करने के, आपके पैसे की याद नहीं है? ठीक है मेरे को चाचा। पूरी बात बताई। हाँ क्या हाँ बताइए उन्होंने पूरी बोलिए। बात बताई थी कि वो 6 लोग अभी तक हमारे पीछे घूम रहे हैं कि साहब कुछ भी करो हमारा पैसा दिलो। हम बोले भाई कोर्ट नहीं देता तो हम क्या करेंगे। ठीक है भाई, तो आपसे भी ठीक है गुजारिश करता चाचा, हूँ और तमाम इन्वेस्टर्स से गुजारिश करता हूँ भाई कि झगड़े फसाद फितने की बात मत सोचिए, सुलह की बात सोचिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि भाई नवेरा शेख को भी अल्लाह सही समझ दे और हमको भी सब्र दे और हम सबका पैसा सुकून सहूलत से नवेरा शेख दे दे भाई। जरूर चाचा, हम उसमें तो ये कोशिश कर कंप्लेंटर रहे हैं है चाचा, कंप्लेनर नॉन कंप्लेनर सभी का पैसा मिल जाए, मसला सबका ही हल हो पैसा जाइए है, क्योंकि एक्चुअली। हर हर आदमी मासूम है भाई, हाँ, उसने कुछ भी बोला हो जबान से किसी के भी साथ हो खड़ा हुआ लेकिन बराबर वो मासूम है, क्योंकि मासूम उसका पैसा है बेचारे का, तो वो कोशिश किया अपने तरीके से। एक्चुअली। चलिए चाचा, बहुत शुक्रिया चाचा, आपने टाइम निकाला आपका। हाँ बेटा आपका भी शुक्रिया, आपसे गुजारिश है कि चाचा मीटिंग अपनी मीटिंग कभी की है? तरफ मीटिंग का डेट कुछ पता चला है? सैटरडे 4 बजे का टाइम है, लोकेशन अभी नहीं बताए तो ओके लोकेशन मालूम पड़ते ही आपको बता दूंगा मैं। चला चाचा, मैं जरूर पहुंचूंगा। हाँ मैं भी इंशाल्लाह आता हूँ, अगर अल्लाह जिंदगी बाकी रखते हैं परसों तो जरूर आता हूँ। ओके चाचा, ओके ठीक है बेटा, ओके चाचा, चलिए सलाम, जजाक अल्लाह, अपनी तरफ से भी सब इन्वेस्टर्स के लिए दुआ कर दीजिए बेटा, जरूर चाचा, अभी आप जरूर। नौजवान हैं, अल्लाह आपकी दुआ जरूर सुनेंगे। चलिए चलिए बेटा, चलिए, अल्लाह हाफिज़। वाले सलाम। अल्लाह।